कि इस तरीके के कार्यक्रम हमें समय से करने चाहिए। तो साथियों, हमारे देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, ये किसान, मजदूर, कर्मचारी, LIC विरोधी सीधे तौर पे कड़े कमतर दिखाई दे रही है। जैसे GST जैसा कानून LIC के अंदर लगाया जा रहा है, जो LIC पहले ही पूरे देश के अंदर समाज सेवा का काम करती है, जो समाज के अंदर जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं वो LIC के माध्यम से होते हैं, और ऐसी संस्था के ऊपर भी GST जैसे काले कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हम इस ऐसी सरकार की गौर निंदा करते हैं कि ऐसे कानून अंग्रेजों के जमाने में होते जो दोबारा से ला के हमारे ऊपर लाते जा रहे हैं। और दूसरा है, इस देश के अंदर किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, ऐसे कानून लेके आए जा रहे हैं और कह रहे हैं सबका विकास। किसका विकास है? जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो आज भी नूकनी दिखाई दे रही है। इसके अंदर जितने भी चाहे किसान के विरोध में कानून बनते थे वो आज के न्यू के न्यू है। तो इसलिए LIC के अंदर जो अभिकर्ता साथी हैं इनके ऊपर सीधे तौर पे हमले किए जा रहे हैं। IRD ने कमीशन का कानून लागू बढ़ाया, यस की, लेकिन उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया। हम इस मंच के माध्यम से ऐसी सरकार, ऐसी उच्च मैनेजमेंट का विरोध करते हैं। तो ऐसे कानून कहने का मतलब जो हमारे कमीशन के लागू करने चाहिए। दूसरा, जो साथियों हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं, इस तरीके की पॉलिसियां MBG का लाना, दूसरी चीजों का लाना जो एक सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम सरकार और मैनेजमेंट को ये बात बताना चाहते हैं। जो हम ग्रेजुएटी की बात करते हैं, समझौते के बाद भी बहुत लंबे समय तक तो 2 लाख ग्रेजुएटी लागू रखी, जबकि दोबारा से उसे बात करेगी तो 3 लाख ग्रेजुएटी अब दी गई है। हमारे संगठन की और हम सब अभिकर्ता साथियों की मांग है कि हमारी ग्रेजुएटी 15 लाख होनी चाहिए, हमें कहने का मतलब रियल पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की सरकार जो इन चीजों को ना सोच करके अनाप शनाप चीजों में इस पैसे को दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहने का मतलब पार्टी को जो बेनिफिट होना चाहिए उसको भी दूसरे ऐसे मदों के अंदर शामिल किया जा रहा जहाँ पे पैसा भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें चिंता है LIC की भी, समाज की भी, सभीकर्ता की भी, कि हमें एकजुट होकर इस संघर्ष को मजबूत करना चाहिए, अपने नीचे लग लेके जाना चाहिए, ताकत बनानी चाहिए, संगठन को मजबूत बना चाहिए। और मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ हरियाणा स्टेट कमेटी की तरफ से कि हम हरियाणा के अंदर संगठन को मजबूत बनाएंगे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद साथियों।